हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है ऐसे लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, मतलब वह किसी कारण से हमारे संस्थान में आने में सक्षम नहीं है, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए अब हम लोग के पास जो नया स्ट्रक्चर है वह देयर प्लस हैड प्लस बीन प्लस नाउन। देयर प्लस हैड बीन प्लस नाउन, इस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो जब पास्ट में, मतलब बीते हुए समय में हम किसी वस्तु की उपस्थिति की चर्चा करते हैं जो कि एक अवधि के लिए थी, एक पीरियड के लिए थी, एक समय अंतराल के लिए थी, तो उसे बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। और वह पीरियड कुछ महीनों का हो सकता है, कुछ सालों का हो सकता है, कुछ सप्ताह का हो सकता है, वह 4 दिन का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है। तो जब पास्ट में किसी वस्तु की उपस्थिति की चर्चा करते हैं जो कि एक अवधि के लिए थी, एक सर्टेन पीरियड के लिए थी, जैसे आपने सती सिस्टम का नाम सुना होगा कि हमारे समाज में पहले सती प्रथा हुआ करता था जिसका कि अभी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब पास्ट में एक पीरियड के लिए था, तो उसे बताने के लिए, मतलब उस तरीके के सेंटेंस को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देयर हैड बीन फिक्स्ड है सती सिस्टम इन आवर सोसाइटी, देयर हैड बीन सती सिस्टम इन आवर सोसाइटी। फिर सूचना पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जैसे देयर हैडन्ट बीन सती सिस्टम इन आवर सोसाइटी। निगेटिव बनाने के लिए हम लोग हैड के साथ नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, शॉर्ट में हैडन्ट हो जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए हैड को देयर से पहले कर देंगे, जैसे हैड देयर बीन सती सिस्टम इन आवर सोसाइटी। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हम लोग हैडन्ट को पहले कर देंगे, जैसे हैडन्ट देयर बीन सती सिस्टम इन आवर सोसाइटी। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हमारे पास 2 विकल्प है, एक हम लोग पूरा हैडन्ट को देयर से पहले कर देंगे या सिर्फ हैड को बाहर रखेंगे, नॉट को देयर के बाद ही छोड़ देंगे, जैसे हैड देयर नॉट बीन सती सिस्टम इन आवर सोसाइटी। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न का ज़माना होता था, अभी के समय हम लोग को किसी के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न उपलब्ध नहीं होता है, तो उसको हम लोग रख सकते हैं देयर हैड बीन ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न इन आवर सोसाइटी और इन आवर होम। निगेटिव बनाने के लिए देयर हैडन्ट बीन ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न इन आवर होम, हैड देयर बीन ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न इन आवर होम, हैडन्ट देयर बीन ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न इन आवर होम। तो इस तरीके से हम लोग 4 वे में जो चीज़ पास्ट में एक अवधि के लिए थी उसे बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम लोग बताना चाहेंगे कि सिर्फ स्ट्रक्चर को जान लेने से नहीं होगा, अब आपको इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। किसी भी चीज़ का दिशा निर्देश लेना आसान होता है, कि जैसे आपको कहीं जाना है, किसी से पूछते हैं कि नहीं जैसे उस शहर में स्टेशन कहाँ है, वो आदमी खड़ा होकर के आपको 2 मिनट में 3 मिनट में बता देगा, आप भैया ऐसे चले जाओ, ऐसे यहाँ से ऑटो ले लो, बस ले लो, आप स्टेशन पहुँच जाओगे। लेकिन स्टेशन पहुँचने के लिए आपको 10-20 मिनट आधा घंटा टाइम देना होगा। तो उसी प्रकार से इस स्ट्रक्चर को समझना ये 5-6 मिनट 7 मिनट का प्रोसेस हो सकता है, 10 मिनट का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन उस पर आउटपुट जनरेट करने के लिए आपको 30 मिनट 45 मिनट्स या 1 आवर की प्रैक्टिस करनी होगी। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे प्रायः प्रॉब्लम क्या होता है, लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो प्रैक्टिस का। लोग ग्रामर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कॉपी बना लेते हैं, कॉपी में रूल्स रेगुलेशंस को लिख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कुछ हद तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी अंग्रेजी की पढ़ाई होती है, खास करके हिंदी माध्यम के स्कूल में, तो ग्रामर पढ़ाने के बाद भी जो है
टीचर प्रैक्टिस पर जोर नहीं डालते हैं, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसी वजह से आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हो पाते। तो बोलने के लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे हम लोग हिंदी सीखते हैं, भोजपुरी सीखते हैं, मैथिली सीखते हैं, मगही सीखते हैं, या कोई अन्य रीजनल भाषा सीखते हैं, तमिल सीखते हैं, बंगाली सीखते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप गौर करोगे तो प्रैक्टिस ही एक फैक्टर होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। मीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपने मदर टंग अर्थात मातृभाषा को भी प्रैक्टिस के माध्यम से ही कमांड करते हैं। तो उसी प्रकार से अंग्रेजी बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस के आप चाहेंगे कि नहीं हम सिर्फ लेक्चर देख ले, सुन ले, क्लासरूम में जाकर के बैठ जाए, उससे आप में अंग्रेजी बोलने का स्किल डेवलप नहीं होगा। तो इन सारे दिशा निर्देश के साथ फिर मैं बताना चाहूँगा कि इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए घर बैठे आप प्रैक्टिस करो, घर बैठे प्रैक्टिस करो। हो सकता है कि आप यदि दूसरे लोगों के साथ हो तो वो कुछ निगेटिव कमेंट भी कर दे प्रैक्टिस करने के क्रम में, तो हो सकता है आपकी मनोबल टूट जाए। तो मनोबल ना टूटे इसके लिए आप कहीं एकांत में चले जाओ, जहां आप खुल करके प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, और जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर आपको अंग्रेजी बोलने में कोई कठिनाई नहीं महसूस होगी। इसका भी मैं डेमो दे देता हूँ, जैसे कैसे आपको बोलना है, जैसे देर हार बिना पार्क दे हार बिना पार्क हार दे बिना पार्क हार दे बिना पार्क दे हार बिना क्लासरूम दे हार बिना क्लासरूम हार दे बिना क्लासरूम हार दे बिना क्लासरूम दे हार बिन सती सिस्टम इन आवर सोसाइटी दे हार बिन सती सिस्टम इन आवर सोसाइटी हार दे बिन सती सिस्टम इन आवर सोसाइटी हार दे बिन सती सिस्टम इन आवर सोसाइटी दे हार बिना टेम्पल दे हार बिना टेम्पल हार दे बिना टेम्पल हार दे बिना टेम्पल। तो इस तरीके से आपको फोर वे में प्रैक्टिस करना है और अधिक से अधिक सेंटेंस बोलना है। इन्हीं बातों के साथ अब हम इस वीडियो में विराम लेंगे। आगे के लिए आप हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लो, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप दबा देंगे ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है, ताकि आप पुनः उसका फ़ायदा ले सकें। इसी के बाद इसी बात के साथ हम अभी विराम लेंगे। थैंक यू।